We are ready. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आप सभी को आसमान फाउंडेशन और यूनिसेफ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार. मैं अंकुर जयपुरिया, टुडे आई एम योर मेंटोर और हम आज बहुत सारी करियर से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें करें. हमने यूपी के स्कूल्स के अंदर, आपके जितने भी स्कूल्स हैं सभी के अंदर बहुत अच्छे से हमने एक करियर का सेशन लिया था, जहाँ पे हमने करियर ओरिएंटेशन का सेशन लिया था कि करियर के मायने क्या है, कि करियर क्या होता है. करियर का मतलब है आपके सपने, आपकी उड़ान, कि आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, आप ज्यादातर बच्चे अभी 10वीं 11वीं या 12वीं में होंगे, तो आप बच्चे जब कॉलेज कर लेंगे, प्रॉब्ली कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे, उसके बाद आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कैसा ऑफिस चाहते हैं, क्या उड़ान चाहते हैं, किस तरह के दफ्तर में या किस तरह का सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब किस पे निर्भर करेगा, आपके करियर पे, आपके एप्टीट्यूड, आपके शौक, आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व और आपके इंटरेस्ट. तो इन सभी चीजों के ऊपर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में API बोलते हैं, यानी कि एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट, और इसी का टेस्ट जो हमने छोटा सा आपका कंडक्ट किया था, साइकोमेट्रिक असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि हम आपके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट, यानी कि हम आपको जज करते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके रुचि, आपके शौक, आपका व्यक्तित्व कैसा है, जिससे कि हम आपको बता सकें और सजेस्ट कर सकें. इनफैक्ट हम आपको थोड़ा सा हमारी नजर से बता सकें कि शायद आपके लिए करियर अच्छे रहेंगे, और उसके ऊपर अगर आप चलते हैं तो सक्सेस के जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर करता है टेस्ट, कि आप मन में क्या सोचते हैं. ये आपको, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बट एट द सेम टाइम कई बार हम सोच ही नहीं पाते. हम सोचते हैं मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे चाचा ने ये किया है, मेरे मामा जी ने ये किया, और क्या होता है, हम उसी लाइन में चलने लग जाते, ये सोचे बिना कि क्या ये मेरा शौक है, क्या ये मेरी मंजिल है, क्या मैं ये बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ. और वो जब वो सोचे बिना हम करना शुरू कर देते हैं तो हम उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार नहीं भी पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम बनने चले थे कुछ और बन गए कुछ और शायद उसमें हम करियर बनाने की कोशिश करने लग जाए, हमारा कुछ फिक्स सैलरी भी हो जाए, बट हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता. और इसी को एक जापानीज टर्म भी कहा गया, जिसे कहा गया इकेगाय. इकेगाय मतलब आपकी रुचि क्या है, आप वर्ल्ड क्या चाहता है, वर्ल्ड में किस चीज की जरूरत है, और क्या आप वो काम करना चाहते हैं, और क्या आपको उस काम करने का पैसा मिलेगा. अगर ये सभी चीजें ज्वाइन होती हैं, तभी उस करियर को एक फुलफिल्ड करियर कहा जाता है, जिसमें आप भी खुशी महसूस करेंगे. नहीं तो कुछ टाइम बाद आपको अपना ही करियर बोरिंग लगने जाता है. आप ऑफिस जाते हैं सुबह, बहुत थक के जाते हैं लोग, ऑफिस से आने के बाद थकते हैं, आप ऑफिस जाने के नाम से थक जाते हैं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. आप चाहते थे क्रिकेट खेलना और आप जा रहे हैं रेलवे के दफ्तर, आप चाहते थे रेलवे के दफ्तर जाना और आप बन गए हैं अकाउंटेंट, आप चाहते थे अकाउंटेंट बनना और आप बन गए हैं डॉक्टर, आप चाहते थे डॉक्टर बनना और आप बन गए हैं साइकोलॉजिस्ट. तो ये सब ना हो, उसी के लिए बच्चों बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस चीज में जुटे हुए हैं कि बच्चों को करियर काउंसलिंग राइट वक्त पे मिले, जिससे कि वो अपनी सपनों की दिशा देख सकें और चुन सके वो रास्ता जिस पर जाकर आगे उनको मंजिल मिलेगी और खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा, यानी वो खुश होंगे कि हम इस लाइन में आए, क्योंकि वो उनकी मंजिल है. काम कुछ छोटा बड़ा नहीं है, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एक वेट आप हो जो एक जानवर को देखते हैं डॉक्टर. आज जैसे कई नए तरह के करियर हैं जो शायद पहले सोचते भी नहीं थे, शेफ बनना, इतनी पढ़ाई करके कोई शेफ बनता है? पर आपको पता है आजकल बड़े बड़े कंट्रीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बहुत सारे शेफ के कोर्सेज चालू कर दिए हैं, क्योंकि वो आपका शौक है. वो करके आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं जो आप चाहते हैं. अगर आपका हाथ खाना बनाने में अच्छा है तो आप बड़ी बड़ी
लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। बड़ा बड़ा लोग, बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज में आज शेफ का काम बहुत जरूरी है। आज चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे हर जगह पे तो शेफ की जरूरत होती है। पर हम ये सोचते हैं कि ये करियर हमारे अनुरूप नहीं है, पर अगर आपका मन ये कहता है और वर्ल्ड को इसकी जरूरत है तो आप इसमें जरूर अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए जरूरत क्या चीज की है कि आपको ये सोचने की मुझे मेरा करियर कहाँ बनाना है और मेरी शौक क्या है, मेरी लाइकिंग क्या है, मैं किस दिशा में अच्छा बन पाऊंगी या बन पाऊंगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आसमान फाउंडेशन और यूनिसेफ का धन्यवाद करेंगे क्योंकि ये उनकी मदद से प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। तो अब हम हमारी स्लाइड शो शुरू करेंगे जिससे हम देख पाएंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो करियर अवेयरनेस का है और हम आज पर्टिकुलरली किस विषय में बात करेंगे, आज हम पर्टिकुलरली जो ह्यूमैनिटीज का पोर्शन होता है उसकी बात करेंगे। अब ये ह्यूमैनिटीज क्या है, हमने साइंस सुना था, कॉमर्स सुना था, आर्ट्स सुना था, ह्यूमैनिटीज क्या होता है? देखिए, साइंस में जब चीजों को हम बनाते हैं उन्हें हम साइंस बोलते हैं, उन्हीं चीजों को जब हम बेचते हैं मार्केट में, उसकी जरूरत पैदा करते हैं, वो कॉमर्स होता है। और उन्हीं चीजों को जब सोचते हैं, डिजाइन करते हैं और वो कैसे एक व्यक्ति या गणतत्व जो हमारा एक संसार है उसको कैसे इफेक्ट करेगी, उसके बारे में जब समझते हैं तो उसे हम ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटीज का मतलब है लोगों पे काम करना, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे मार्केट एज अ होल हो। मार्केट को समझना और किस तरह से प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना कि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो, उसे हम ह्यूमैनिटीज का पोर्शन मानते हैं। चाहे वो आप साइकोलॉजी करें, सोशियोलॉजी करें, हिस्ट्री करें, ज्योग्राफी करें और बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम यूपी पंक करियर मार्गदर्शन पोर्टल के बारे में भी समझेंगे क्योंकि ये ही वो डैशबोर्ड है जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें एक मिनट में देखने को मिल सकती हैं। 550 करियर, 15,000 से अधिक कॉलेजेस, सब तरह के स्कॉलरशिप एग्जाम और सब तरह के एंट्रेंस टेस्ट की डेट, तारीख, कब एंट्रेंस डेट चालू हुआ है या होगा, उसकी अंतिम तारीख भरने की क्या है और हम उसके अंदर अभी भी एलिजिबल है या नहीं है, ये सब चीजें हम जानकारी यूपी पंक करियर मार्गदर्शन पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम करियर इन ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हम करेंगे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड एलीड, ज्योग्राफी एंड एलीड, पॉलिटिकल साइंस एंड एलीड। ये एंड एलीड का मतलब क्या होता है? एंड एलीड मतलब उससे जुड़े हुए कार्य, यानी पॉलिटिकल साइंस है, अगर हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उस राजनीतिक शास्त्र और उससे जुड़े हुए करियर क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड एलीड, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लैंग्वेजेस के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। देखिए, आपने ह्यूमैनिटीज चुन लिया, अब ह्यूमैनिटीज में भी आपके पास बहुत सारी सब्जेक्ट चॉइसेस होंगी। हालांकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी चॉइसेस देती है बट कई बार स्कूलों के अंदर ज्यादा बच्चे वो सब्जेक्ट्स की डिमांड नहीं करते, इसलिए स्कूल वाले लिमिटेड सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करते हैं कि भाई आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट के साथ स्कूल में अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि मेरे को ये सब्जेक्ट स्कूल में अवेलेबल है भी या नहीं। तो पहला सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज में आता है वो है साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब एक ह्यूमन ब्रेन। देखिए, अगर आप पिक्चर भी देख रहे हो तो इसमें एक ह्यूमन ब्रेन बताया गया है ना। तो आज हम जब बात करते हैं एक ह्यूमन ब्रेन की तो दिस इज रिलेटेड टू वन सिंगल पर्सन। इसमें हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करता है, उसे कैसे प्रोसेस करता है और कैसे उसका निष्कर्ष या आउटपुट निकालता है, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का सीधे शब्दों में अनुमान हो गया कि ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना और उसके बारे में चीजें समझना, उसकी डीपर एक्सप्लोरेशन करना और उससे जुड़े निष्कर्ष निकालना। तो जब आपको एक ह्यूमन पे स्टडी करनी होती है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, तब हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट
ले सकते हैं। इसमें हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ गया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मतलब जो अगर हमारे को कोई चीज का, कई बार हम बोलते हैं कई बच्चे होते हैं, भाई बचपन से जब हम प्री स्कूल में होते हैं तभी से इमोशनल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, यानी कि खुश होना क्या होता है, सैड होना, एक्साइटेड होना, नर्वस होना, आज हर तरह का इमोशन जरूरी है। जरूरी नहीं हम हमेशा खुशी रह सकते हैं या हमेशा हम दुखी होंगे, हर तरह का इमोशंस होता है। ये इमोशंस की स्टडी और ये इमोशंस क्यों ट्रिगर होते हैं, हम कई बार कई चीज को देख के घबरा जाते हैं, कई बार कोई बच्चे होते हैं वो एम्बुलेंस की आवाज सुन के घबरा जाते हैं। अब ये उनके कुछ बचपन में हुआ होगा, उस चीज से रिलेटेड इफेक्ट उनके पर जिंदगी भर रहता है। कई लोग होते हैं जो जब लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं वो उसमें घबराते हैं, उनको लगता है वो जो बंद लिफ्ट होती है उसमें उनको नर्वसनेस हो जाती है, उनके पसीने आने लग जाते हैं। या कई लोग होते हैं अगर सपोजिंग अफ्रीका घूमने गए, वहां पे माइंस में ले जाते हैं, जब माइंस में ले जाते हैं तो जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ वहां पर भी अंधेरा होता है, लिफ्ट में भी अंधेरा होता है, छोटी लाइट होती है तो उसमें लोग घबरा जाते हैं। तो आप हाइट से घबराते हैं, डेप्थ से घबराते हैं, आप कोई एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट से घबराते हैं, आप कोई साउंड से घबराते हैं, ये सब आपके कुछ ट्रिगर्स बचपन के होते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टडी करता है कि आपको क्या क्या चीज आप ट्रिगर होते हो और उन चीज को कैसे सॉल्व किया जाए जिससे कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स दोबारा दोबारा नहीं आए। इसलिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं जब कोई चीज से हमें घबराहट होती है या हम कोई चीज से ओवर एक्साइटेड होते हैं, ओवर हाइपर हो जाते हैं, तो उन चीजों को समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। अब आप इसी में देखेंगे कि नेक्स्ट है करियर एंड गाइडेंस। करियर एंड गाइडेंस क्या है? करियर एंड गाइडेंस का मतलब है कि जब हम बात करते हैं कि करियर की बात, जैसे मैं एक करियर काउंसलर, उसी तरह से करियर काउंसलर आपको आपके करियर के बारे में बताता है, गाइडेंस काउंसलर आपको गाइड करता है थ्रू वेरियस थिंग्स। सपोजिंग आप कोई पर्टिकुलरली अवार्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको गाइडेंस लेनी है कोई चीज की, या कोई पर्टिकुलर फील्ड में गाइडेंस लेनी है, तो करियर एंड गाइडेंस काउंसलर आपको उस चीज में आपकी हेल्प करेंगे। इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलर क्या होते हैं? जो इंडस्ट्रीज में हेल्प करते हैं बेटा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी होती हैं, तो वहां पे भी काउंसलर चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, जो समझ सके कि ये इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर लोगों की मानसिकता क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका जनरल विकास किससे होगा, वो उनके विकास में क्या बाधा डालता है और वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, उसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जब कोई क्राइम होता है तो क्राइम के टाइम लोगों की स्टडी होती है। सपोजिंग क्राइम के टाइम 10 लोगों पे शक किया जा रहा है, तो उन 10 में से लोगों की स्टडी करना, कि क्योंकि हमें शॉर्टलिस्ट तो करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्राइम किसने किया है, 10 में से 8, 8 में से 5 लोगों पे हमें हमारा फोकस डालना पड़ेगा और उनमें से हम जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होता है वो मदद करते हैं ये ज्ञात करने में कि एक्चुअल क्राइम किसने कमिट किया होगा। तो ये उन लोगों पे स्टडी करते हैं जो लोग क्राइम से जुड़े हुए हैं, तो वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम करते हैं। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, आज साइकोलॉजी यहाँ क्यों चाहिए? अगर हमें नहीं पता होगा कि कंज्यूमर क्या चीज को लेके एक्साइटेड है मार्केट में, क्या चीज खरीदने को वो उत्सुक है, क्या चीज वो नहीं खरीदना चाहता है, क्या चीज और 2 साल बाद वो कंटिन्यूसली खरीदेगा, या क्या चीज रिडंडेंट हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल बाजार में बिकनी बंद हो जाएगी। जैसे फैक्स मशीन आई थी पहले, अब आजकल ईमेल इतना कन्वीनियंट हो गया कि फैक्स मशीन बिकनी बंद हो गई या बहुत कम हो गई उनकी बिक्री, पेजर आए थे, तो आज व्हाट्सएप आ गया है, देयर सो मेनी न्यू थिंग्स व्हिच हैव कम अप, कि कुछ चीजें पुरानी रिडंडेंट हो जाती है। इसलिए हम मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं जिससे कि वो साइकोलॉजी स्टडी करके आगे वाले चीजों पे हम देख सकें कि क्या चीज मार्केट में आने वाली है या रहेगी और किस में बेनिफिट होगा मार्केट में हमें काम करने से। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जब
स्पोर्ट्समैन गेम खेलता है, कई बार विक्ट्री के कारण बोलते हैं ना इसके दिमाग में जीत चढ़ गई है, यानी वो एकदम सोचते हैं मुझसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, तो उनको भी साइकोलॉजी की जरूरत है। और जो लोग कई बार आउट हो जाते हैं जल्दी, टाइम से आउट हो जाते हैं कंटिन्यूअसली, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, तो वो एक डिप्रेशन में, हालांकि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बट दे गो इन डिप्रेशन कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जिससे कि वो नॉर्मल रह सके। हम कोई भी स्पोर्ट्स में अगर अपने आप को बहुत ऊंचा समझेंगे तब भी प्रॉब्लम है, हम आगे वाले को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और अगर हम बहुत नीचा समझेंगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा उस वक्त जो अंदर की हमारी एबिलिटी है वो परफॉर्म नहीं करती, हमारा ब्रेन बोलता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, और वो चक्कर में हम कर ही नहीं पाते। देखिए ब्रेन अगर आपको सपोर्ट करेगा आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने जो सुना था महाभारत में जो संजय होते हैं वो किंगडम में बैठ के, राज्य में बैठ के वहां से वॉर देख पाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अलाइंड होता है। हम जो पहले स्टोरीज के रूप में सुनते थे ना बच्चों, वो सब कुछ पॉसिबल है अगर हमारा ब्रेन अलाइन होगा, अगर हमारा ब्रेन सही दिशा में सोच पाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस हम अपने ब्रेन का 1/10 हिस्सा भी यूज नहीं करते हैं, ट्रिगर नहीं करते हैं, हम केवल जितना सा पोर्शन ट्रिगर करते हैं उतना ही पोर्शन से हम सजेस्ट और सोच सकते हैं। अगर हमें ब्रेन को एक्टिव बनाना है तो हमको हमारे ट्रिगर पॉइंट सोचने पड़ेंगे कि हम किस चीज से हमारे ब्रेन को, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो क्या चीज है कि जिससे आपका ब्रेन और अपने आप को, अपनी पोजीशन को यूज कर सके और उससे बेहतर हम रिजल्ट ले सके, उसके लिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करने का, हमें बराबर राह दिखाने का काम करता है। तो साइकोलॉजिस्ट इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है, पर इसका एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि साइकोलॉजी में ज्यादातर लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स उस आदमी को स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम, इसलिए वो आपसे साइकोलॉजी, आपसे कुछ कंसल्टेशन मांग रहा है, तो आप हर जगह क्योंकि कंसल्टेशन दे रहे हैं तो आप जब लोगों की तकलीफें सुन रहे हैं इट शुड नॉट डीमोटिवेट यू, आपको अपना प्रोफेशन और अपने आप का इंडिविजुअल अलग अलग रखना पड़ेगा। अगर आप किसी की प्रॉब्लम में खुद ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो आप उसके लिए बर्डन बन जाएंगे, ना कि आप उसका कंसल्टेशन कर पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजिस्ट को ये चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि मुझे किसी के भी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे प्रॉब्लम और मेरे प्रोफेशन को, दोनों पीस को अलग अलग रख के ही आगे बढ़ना है, तभी मैं आगे उस लाइन को ठीक से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं इस प्रोफेशन को सही मायनों में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी, आई वुड नॉट बी एबल टू एक्चुअली जस्टिफाई बिकॉज मैं उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन गई हूँ, मैं उसको एक इमोशनल एंगल से सोचने लग गई हूँ, इस कारण से मैं सही जजमेंट नहीं दे पाऊंगी, अदरवाइज साइकोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो है सोशियोलॉजी या सोशल वर्क। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर ब्रेन पे हम काम कर रहे थे, सोशियोलॉजी पे हम किस पे काम करते हैं, सोसाइटी पे काम करते हैं। जब हम सोसाइटी को चेंज करने का काम करते हैं तब हम उसे सोशियोलॉजी के अंदर लाते हैं, तो इसमें भी सब काम वही कर रहे हैं बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ ग्रुप। हम जब साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो हम इंडिविजुअल्स पे काम करते, इंडिविजुअल ब्रेन से काम करते, वो कलेक्टिव जब बन जाता है तो उसे हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो सोसाइटी को चेंज करने के काम को सोशियोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, देखिए जब कोई चीज, कोई राइट एक से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करता है तो हमें उसे ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है बोलना, क्या केवल एक जने को राइट मिलना चाहिए बोलने का या पूरी सोसाइटी के पास राइट होना चाहिए बोलने का। जब कोई भी ह्यूमन राइट मोर देन वन पर्सन को इफेक्ट करे, सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट करे, तब उसको हमें सोशियोलॉजी के अंदर एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं कि क्या ह्यूमन राइट्स है और क्या सोशल जस्टिस है, जो सोशल जस्टिस
हर इंसान को इक्वल मिल सके। हम अलग अलग रूल्स अलग अलग लोगों के लिए नहीं बना सकते बेस्ड ऑन द कास्ट क्रीड रिलीजन। नो, ये इस कास्ट का इसके अलग अलग रूल्स हैं, ये इस क्रीड के हैं, ये गोरा है काला है, ये इस रिलीजन का है, उस कारण से अलग अलग सोशल जस्टिस के एंगल्स नहीं हो सकते। इसीलिए सोशियोलॉजी के अंदर हम एक बेसिक रूल जो सभी पे अप्लाई करता है उनको स्टडी करते हैं और उन्हीं के राइट्स के बारे में हम बात करते हैं, थियोलॉजी। तीसरा इसमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ गॉड, जहां हम जो ये ईश्वर हैं, हम जो भी हम नाम से उन्हें बोले, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, हम जब धर्म शास्त्र की बात करते हैं, देखिए ह्यूमैनिटीज में जितने भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, ज्यादातर वो साइंस रिलेटेड है, शास्त्र रिलेटेड है। ऐसा क्यों? साइंस तो हम साइंस से पढ़ते हैं ना, बट जो हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं वो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि ह्यूमन साइंस है। हमारी बॉडी कैसा बिहेव करेगी इंटरनली, एक तो होता है हमारे ऑर्गन्स कैसा बिहेव करेंगे वो समझती है साइंस, हमारा ब्रेन कैसे इफेक्ट करेगा वो समझेगा हमारा ह्यूमैनिटीज। तो आज जब हम एक धर्म की बात करते हैं, धर्म शास्त्र की बात करते हैं, उसे हम थियोलॉजी में पढ़ते हैं, इसके बारे में धार्मिक चीजों के बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, वो हम थियोलॉजी के अंडर करते हैं। रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, जब सोसाइटी एट लार्ज में हम काम कर रहे हैं तो हमें रूरल डेवलपमेंट भी देखना जरूरी है कि गांवों के अंदर पानी कैसे पहुंचे, बेसिक नेसेसिटीज, सड़कें, पानी कैसे पहुंचे। अर्बन डेवलपमेंट, कैसे कचरे का संस्थापन हो, किस तरह से लोग जुड़े हों, किस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी में फर्क नहीं हो, बहुत ज्यादा इनजस्टिस जहाँ पे सोसाइटीज में होता है, वो सब चीजें रोकने के लिए हमें रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लॉज देखने होते हैं और उनसे रिलेटेड नए लॉज बनाने होते हैं जिससे सारी सोसाइटीज एट लार्ज डेवलप कर सके। रिसर्च एंड एडवाइजरी, जब हम सोशियोलॉजी में देखते हैं, कुछ रूल्स हमने देखे, कुछ लोगों को हमने स्टडी किया, ग्रुप के रूल्स बनाए कि ये ग्रुप के रूल्स होने चाहिए, तब उनके बारे में रिसर्च होनी बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल्स के बेसिस पे हम कोई रूल जारी नहीं कर सकते क्योंकि वो बायस्ड हो सकते हैं। हो सकता है मेरी अवधारणा कुछ है उससे रिलेटेड, मेरा बचपन कुछ रहा है, मेरी अवधारणा कुछ है उससे रिलेटेड, मैंने बोला नहीं ये चीज गलत है सोसाइटी में, हो सकता है मैं गलत हूं। तो हम एक इंडिविजुअल के बेसिस पे कोई लॉ को पास नहीं कर सकते टिल द टाइम उस चीज पे रिसर्च हो। तो रिसर्च एंड एडवाइजरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशियोलॉजी का, क्योंकि सोशल सोसाइटी एट लार्ज पे हम डील करते हैं, तो सोसाइटी एट लार्ज पे डील करने के लिए काफी रिसर्च चाहिए कोई भी रूल को रूल बनाने के लिए, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इन सोशियोलॉजी। पब्लिक पॉलिसी अगेन, अब हम जब ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं, कोई चीज हमने राइट्स कर लिए, जस्टिस देख लिया, तो उसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये पॉलिसीज कैसे बनी, कैसे बन रही हैं और कैसे आगे बनेंगी, वो चीज की भी सोशियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है और वो क्या क्या पब्लिक पॉलिसीज हैं जिससे आप लोगों को फायदा दे सकते हो, क्योंकि कई बार पब्लिक पॉलिसीज हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, तो उनको कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं ये भी आप सोशियोलॉजी में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, बिकॉज जब हम एक आम आदमी पे काम कर रहे हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई चीजों की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम सोशियोलॉजी के अंदर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह की मार्केटिंग करी जाए, कैसे मार्केटिंग करी जाए, क्योंकि हम जब सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है कि सोसाइटी में क्या चीज मार्केट करने पे सक्सेसफुल होगी और किस तरीके से सक्सेसफुल होगी। जैसे अगर मेरी सोसाइटी में ज्यादातर लोगों के पास अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, इंटरनेट फैसिलिटी, टीवी की फैसिलिटी बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, तो वो रेडियो सुना करते थे, तो वहां मार्केटिंग ब्रांडिंग रेडियो के ऊपर ज्यादा सक्सेसफुल होगी। डिपेंडिंग अपॉन कि हम पैम्फलेटिंग करें, हम रेडियो की करें, हम विजुअल मार्केटिंग करें, हम फुट पे मार्केटिंग करें, हम लोगों से जुड़ के उनको अपने टीम में जोड़ के उनके द्वारा मार्केटिंग करें, क्या चीज हमें काम देगी, वो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी एट लार्ज
किस तरह से मूव करें सोसाइटी और क्या चीज सक्सेसफुल होगी, ये हमें मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के अंदर बहुत इससे हेल्प मिलेगी अगर हमें सोसाइटी एट लार्ज हमने ठीक से उस टॉपिक पे स्टडी किया है तो। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब है राजनीति विज्ञान। इसमें क्या होता है, जब हम पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पॉलिटिक्स यानी राजनीति में शौक है, राजनीति का शौक है कि राजनीतिक कौन होते हैं, राजनीतिक वो लोग होते हैं जिनको पब्लिक चुनती है और पब्लिक चुनने के बाद वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज के लिए। क्योंकि आज अगर हम देश की गांव की जनसंख्या देखें तो अगर हम हर जने को बोलने का मौका देंगे कि हर जना बोले और हर जना अपना व्यू पॉइंट अलग अलग बताए तो एक मत के लिए हमको 10 तरह की राय आ जाएगी, तो हम क्या माने। अगर हमने एक ग्रुप का माना दूसरा ग्रुप पूरा मान जाएगा, दूसरे का माना तीसरा ग्रुप पूरा मान जाएगा। तो जब हम राजनीतिक होते हैं वो सब ग्रुप्स को देख के उनके रिलेटेड ही आगे अपनी राजनीति शास्त्र लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो। अगर हमने सपोजिंग एक हमने सीएम चुना एक राजस्थान शहर, एक राजस्थान हमारा एक स्टेट है, राजस्थान स्टेट का एक सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, तो जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान स्टेट में ज्यादातर जो गांव है, छोटी छोटी तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहां लोग क्या चाहते हैं, अगर उन सब के बारे में वो पता करेंगे। जैसे यूपी है तो यूपी के बारे में अगर अलग अलग जो भी गांव है, तहसील है, छोटे छोटे जगह है, वहां के सब लोगों के बारे में पता करना, वहां के मिनिस्टर्स अगर जैसे हमें गांव ले वहां के सरपंच होते हैं, तो इस तरह से राजनीति के अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग वो गांव को, वो तहसील को, वो सूबे को, जो सूबे का सूबेदार बोलते हैं हम, कलेक्टर बोलते हैं हम, एक सरपंच बोलते हैं हम, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो स्टेट में सबसे बड़ा जो सभी लोगों को राय लेके आगे काम करता है या जो डिसीजन लेते हैं वो चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। एंड हमारे जो अगर हम ऊपर चले इन ऑन द होल इंडिया लेवल, तो वी हैव द प्राइम मिनिस्टर, वी हैव द प्रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अगर हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है जाके यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, तो क्या हम सब जाएंगे, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब जाएंगे कि मेरी कंट्री की आवाज ये है। तो इसलिए जो राजनीतिक होते हैं वो अपने शहर, कस्बा, गांव, एक पूरा कंट्री, एक पूरा सबको रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, जिससे कि वो लोगों की बात सुन के आगे उसको रिप्रेजेंट कर सके। पर इससे रिलेटेड बहुत सारे करियर, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, ये कौन होते हैं, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट वो होते हैं जो ग्राफ्स अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई किस तरह से पब्लिक पॉलिसीज, कौन सी वाली पब्लिक पॉलिसीज ज्यादा मत आ रहे हैं, कौन सी पब्लिक पॉलिसी अपनानी चाहिए और कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी। तो ये पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करके, एनालिस्ट यानी कि स्टडी करते हैं उसके बारे में और उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन लोगों को बताते रहे। पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल एड, ये वो लोग होते हैं जो राजनीतिक खुद होते हैं और उनके सहयोगी, पॉलिटिकल एड मतलब सहयोगी, क्योंकि पॉलिटिशियन भी अकेले तो काम नहीं कर सकते, उनके साथ उनके सहयोगी भी चाहिए कोई भी चीज के लिए, तो वो सब मिलके काम करते हैं जिससे कि वो किसी भी शहर, गांव, कस्बे को रिप्रेजेंट कर सकें और उससे जुड़ी लोगों की बातें आगे पहुंचा। लॉबीस्ट, लॉबीस्ट वो प्रोफेशन है जो एडवोकेट्स होते हैं एक तरह के राजनीतिज्ञों, क्योंकि उनके लॉबी, उनकी जो भी पब्लिक स्टेटमेंट जाती है इनके द्वारा जारी होती है, तो एक तरह के उनके सलाहकार होते हैं, एक तरह के उनके लीगल फ्रंट पे सलाहकार होते हैं, जो देखते हैं कि कोई भी चीज वो बोलेंगे तो उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन निकाला जाएगा और किस तरीके से वो चीज बोलें जिससे कि वो लोगों के समझने में गलत नहीं। तो लॉबीज जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके सलाहकार होते हैं, लीगल तरीके की राय उनको दे सके जिससे कि उनके बोले हुए शब्दों को लोग मिसअंडरस्टैंड नहीं करें। डिप्लोमैट, डिप्लोमैट कौन होते हैं,
डिप्लोमैट वो होते हैं जो किसी भी, जैसे कि आज जरूरी नहीं है हर जगह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा के लिए तो किसी कंट्री में आके नहीं रह सकते ना, वो आखिर इंडिया में ही रहेंगे। तो डिप्लोमैट डिप्लोमैट जो होते हैं वो होते हैं जो हमारी कंट्री का परमानेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी और कंट्री में जाके। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि हमारी, अगर हम नई दिल्ली में देखें तो बहुत सारे देशों के डिप्लोमेट वहां रहते हैं, चाहे वो सिंगापुर के हो, जापान के हो, यूनाइटेड किंगडम के हो, अमेरिका के हो, कि वो वहां पर जो भी रिलेटेड चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर, वो चीजों में उनकी कंट्री कैसे हेल्प कर सकती है, उनकी कंट्री का क्या मत होगा, ये वो लोग बराबर डिप्लोमेट जो होते हैं वो वहां पर रह के उस चीज को समझते हैं, उस पे अपनी कंट्री की राय करते हैं और उसके बारे में यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं। तो डिप्लोमेट इज अगेन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम अदर प्लेस इन सम अदर प्लेस, यानी किसी और जगह के निवासी होते हैं और वो किसी और जगह पे काम करते हैं जहां पे रह के वो उस अपनी कंट्री अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके, उन्हें डिप्लोमेट कहा जाता है। पॉलिसी एनालिस्ट, अब ये पॉलिसी एनालिस्ट क्या होते हैं? पॉलिसी एनालिस्ट वो लोग, इतने से इसमें देखिए साइंटिस्ट लिखा है, साइंटिस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कैंपेन की स्टडीज करते हैं और उसके बारे में ये बताते हैं कि भाई अब क्या इलेक्शन कैंप, पर्टिकुलरली ज्यादातर ये जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस की स्टडी करके ये बताते हैं कि वोट किस तरफ जा रहे हैं, ये साइंटिफिक तरीके से ज्ञात करते हैं कि वोट किस दिशा मूव कर रहे हैं और कौन सी पार्टी के आने की संभावना है और कैसे कोई पार्टी आके उसके अंदर एलीट का रोल अदा करेगी या दो पार्टियां मिलके नई पार्टी बनाएंगी, तब ये पॉलिसी एनालिस्ट का काम करते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो उस दिशा में काम करते हैं। जैसे कि प्रणब मुखर्जी इज अ वेरी वंडरफुल पॉलिसी एनालिस्ट और इनकी ज्यादातर जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी काफी सही जाती हैं, ये एक्सचेंज कैंप में ज्यादातर काम करते हैं। फॉरेन सर्विस ऑफिसर क्या होता है? ये होते हैं जिन्होंने यूपीएससी जो अपने गवर्नमेंट का एग्जाम होता है ये दे दिया होता है, ये फॉरेन सर्विसेज के लिए जाते हैं और ये फॉरेन सर्विस में जाके ऑफिसर का रूप अदा करते हैं। देखिए डिप्लोमेट अलग था, डिप्लोमेट रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑफिसर होते हैं फॉरेन सर्विसेज के अंदर। इसके लिए आपने अगर ह्यूमैनिटी से बीएन पॉलिटिकल साइंस करी है और फिर आप सीधे यूपीएससी का एग्जाम देके फॉरेन सर्विस ऑफिसर भी बन सकते हैं। सीफोलॉजिस्ट, अब ये भी पॉलिसी एनालिस्ट का रूप ही है, बट पॉलिसी एनालिस्ट पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कैसे अपार्ट फ्रॉम वोटिंग किस तरह से और नीतियां जाएंगी, कहाँ पे कौन सी नीति आने के चांसेस है, कौन सी नीति होता है बंद हो जाए। जैसे सपोज अभी हमारी एजुकेशन की नई एनईपी पॉलिसी आई है तो कौन सी पॉलिसी किस दिशा मूव कर रही है और कौन सी पॉलिसी किस हद तक लागू होगी, ये हर चीज स्टडी करते हैं पॉलिसी एनालिस्ट, चाहे वो इलेक्शन तो या सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो दे आर ऑन द ब्रॉडर टर्म, जबकि सीफोलॉजिस्ट जो ये लास्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं, पी साइलेंट है इसलिए उसे हम सीफोलॉजिस्ट के नाम से पुकारते हैं। सीफोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो केवल इलेक्शन ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं कि इलेक्शन ट्रेंड्स के अंदर, जैसे कि इलेक्शन ट्रेंड में हमारा कौन से तरफ इलेक्शन ट्रेंड्स मूव कर रहे हैं, क्या आगे कौन सी पार्टी के आने की संभावना है, कितने वोटों से आने की संभावना है, किस कितने वोटों से वो आगे चल रही है, क्या दो पार्टी साथ मिलके आएंगी कोई जगह पे, वो सब ये सीफोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इनमें कुछ फेमस लोग हैं जैसे प्रणव रॉय, ये एनडीटीवी के फाउंडर हैं और ये भी काफी फेमस हैं इन टर्म्स ऑफ सीफोलॉजिस्ट। ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी क्या है? ये सब्जेक्ट अगर हम हिंदी में समझें इसे हम कहते हैं भूगोल। भूगोल के अंदर हम किसी भी जगह की जब फिजिकल स्पेस को समझते हैं कि उस जगह पे कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, वहां किस तरह की ज्योग्राफी है, वहां किस तरह का नेचर है, वो हम जब स्टडी करते हैं अबाउट वेरियस लैंडफॉर्म्स, वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी माउंटेन, दे कैन प्लेटू, दे कैन बी डेजर्ट, दे कैन बी प्लेन्स,
फिर उसके अलावा किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह की नदियां हैं, किस तरह का वहां पे क्लाइमेट है, किस का कौन से जगह पे वॉल्केनो इरप्शंस हो चुके हैं या हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी जगह की फिजिकल स्पेस को स्टडी करते हैं वो हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। आपने बहुत फेमस आजकल ज्योग्राफी में अगर आप देखें, जैसे जो जीपीएस हमारे फोन पे होता है, तो जीपीएस क्या है, एक जगह की ज्योग्राफी स्टडी करना कि एक जगह दूसरे कैसे पहुंचा जाएगा, तो रोड किस दिशा में है वो जीपीएस से हम देखते हैं। पर आप जब जीपीएस ओपन करते हैं, गूगल मैप्स ओपन करते हैं, वो दिखाता है वहां पे कि कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ रिवर है। एक जगह की पूरी फिजिकल स्पेस को स्टडी करने को ही ज्योग्राफी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल एंड कम्युनिटी प्लानिंग। अगर आपको पता है कि कौन सी जगह पे डेजर्ट है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ रोड है, कहाँ रोड बन सकती है, तो आप एनवायरमेंटल प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं सड़कें बनाने के लिए पहाड़ काट दिए और पेड़ काट दिए, या रोडे बनाने के लिए हिल स्टेशन पे पहाड़ बंद काट दिए गए। तो ये एनवायरमेंटल की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी जगह सड़क बन सकती है और कौन से पहाड़ नहीं कर सकते हैं, रोडे नहीं बनाने के लिए पेड़ नहीं कर सकते हैं। ये कम्युनिटी की प्लानिंग करते हैं कि कौन सी जगह पे पार्क होना चाहिए, पूरे एज अ सोसाइटी की ज्योग्राफी को डील करके सोसाइटी की प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे पार्क आना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल आना चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग नीतियां जारी करनी चाहिए। ये वो सब काम करते हैं जिन्हें एनवायरमेंटल एंड कम्युनिटी प्लानिंग का शौक है, वो इस लाइन को पकड़ सकते हैं। कार्टोग्राफी एंड मैपिंग, जब हम मैप्स बनाते हैं, आपने बच्चों 7th 8th से देखा होगा आप लोग मैप्स बनाते हैं, फिजिकल मैप्स एंड पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, जहाँ पे हम केवल स्टेट एंड द कैपिटल्स, या फिर जो दुनिया में अलग अलग देश हैं और उनके कैपिटल्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे जाता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या क्या होता है, जैसे इंडिया एज अ कंट्री हम लें, कहाँ कौन सी, जैसे अरावली माउंटेन्स है, कहाँ नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटू है, कहाँ साउदर्न ईस्टर्न प्लेटू है, कौन से रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जितनी भी लैंड फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं वो हम मैप्स के थ्रू करते हैं। कार्टोग्राफी मतलब मैप्स को बनाना, चाहे वो आप पहले तो मैप बनते थे थ्रू लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, अब बहुत डिजिटल वर्क से मैपिंग होती है, क्योंकि अब हर काम डिजिटल पे जा रहा है, इसलिए कार्टोग्राफी भी डिजिटल के थ्रू हम कर रहे हैं। तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, जिन बच्चों को मैप्स बनाने का बहुत इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में जा सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर हमें पता है कहीं का लैंडफॉर्म क्या है, हमें पता है यहाँ वॉल्केनो इरप्ट हो चुका है, या वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ हर 5 साल बाद होता है, या फिर कहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावनाएं हैं, कहाँ पे पानी से कोई हुरिकेन होने वाला है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होके बाढ़ क्या बाढ़ आने वाली है, कहीं पे अकाल पड़ने वाला है, ये सब चीजें जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ये जब आप ज्योग्राफी किस जगह का भूगोल स्टडी करते हैं तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल रात को एक टॉपिक सुन रही थी, जब टाइटैनिक शिप, हमने बहुत नाम सुना टाइटैनिक शिप, आइसबर्ग से टकरा के बहुत बड़ी शिप थी जो पानी में डूब गई थी, और बहुत सारे लोग उस वक्त उसके साथ ही शांत हो गए थे। तो आज टाइटैनिक के टाइम पे भी उन्हें बताया गया था कि आइसबर्ग सामने आ रहा है, बट उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारी शिप तो अनब्रेकेबल है, ना तो टूट सकती है, ना तो हम ये शिप डूब सकती है, ना टूट सकती है। तो उन्होंने सारी जितने भी वार्निंग साइंस उन्हें मिले कि पानी का बहाव कम है, ज्यादा है, तेज है, या आइसबर्ग आने वाली है, उनको लगा था हम आइसबर्ग को टच करके निकल जाएंगे, उन्होंने उस चीज को उतनी स्ट्रॉन्गली समझा नहीं, जबकि ज्योग्राफी भूगोल के रूल्स अगर वो अप्लाई करते तो वो डेफिनेटली शिप सेव हो सकती थी। बट क्योंकि उन्होंने वो सारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल्स थे उनको ब्रेक किया, इसलिए वो शिप को नहीं बचा पाए थे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज स्टडी अबाउट नेचुरल डिजास्टर और उसको कैसे उनसे मानवता को उससे नुकसान नहीं हो, मानव जीवन को और शहरों को नुकसान नहीं हो, उनको रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करी जाती है। डिफेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, अब हमें पता है कि हमने पिक्चर देखी थी जिसके अंदर वो विक्की कौशल होते हैं एंड वो
कोई अंदर के रूट से पहाड़ों के नीचे कोई रूट से दुश्मन के इलाके में पहुंचते हैं, या फिर जब पुराने राजा महाराजा होते थे तो बहुत सारी अंडरग्राउंड रूट बनते थे जिससे कि आर्मी का अटैक हो जाए तो उस अंडरग्राउंड रूट से या तो जो नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके या फिर वो अंडरग्राउंड रूट से आर्मी दूसरी जगह पे जा सके, सेना दूसरी जा सके और ऑपोजिट साइड से अटैक कर सके जो लोग अटैक कर रहे हैं उन पे, जिससे कि उनका देश सेव हो जाए। तो डिफेंस एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत जरूरत होती है भूगोल की, कि उन्हें पता होना चाहिए कौन सा रूट कहाँ से निकल सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कहाँ पेड़ है, पहाड़ है, कहाँ नदियां हैं, किस तरह से रूट चालू होगा जिससे कि मिलिट्री ऑपरेशंस में प्रॉब्लम नहीं आए, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। वेदर फोरकास्ट सिस्टम, जब हम पूरे फिजिकल स्पेस की स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि हम वेदर फोरकास्ट को भी हम कर सकते हैं कि कहाँ पे बहुत हवा का जो तेज दिशा डायरेक्शन से हवा आ रही है, या कहाँ पे अकाल पड़ने वाला है, कहाँ पे सूखा पड़ने वाला है, हवा अब कई बार हम सुनते हैं कि ये फोरकास्ट है कि अगले 7 दिनों में बारिश होने वाली है या फिर ठंड बढ़ने वाली है, ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है जब जो छोटे छोटे ये वेदर फोरकास्ट वाले साइंस को स्टडी करते हैं और वो स्टडी करके उनके बेस्ड नतीजे निकालते हैं, उससे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि कब बारिश आने वाली है, कब हवा का बहाव तेज होगा, कब ठंड तेज हो जाएगी, ये सब चीजें वेदर फोरकास्ट से स्टडी होती है। शिपिंग कंपनीज भी ज्योग्राफी यूज करती है, क्योंकि जब शिप चलती है, जैसे हम पहले के जमाने में अगर हम पुरानी कहानियां पढ़े, ऐसे फेबल्स हमारी पुरानी कहानियां पढ़े, तो ध्रुव तारा से शिप को नेविगेशन मिलता था कि कौन सी दिशा में शिप को चलना है, ध्रुव तारा की दिशा में, उससे उल्टी दिशा में, उससे सीधे हाथ को या उससे उल्टे हाथ को, उनका गंतव्य उधर उस डायरेक्शन में आता है। तो शिपिंग कंपनियां बहुत सारे ज्योग्राफी के रूल्स को स्टडी करती है कि किस तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल ज्योग्राफर क्या होते हैं, जो जब पॉलिटिक्स में रैलीज निकलती हैं, पॉलिटिक्स के अंदर एरिया बैसमेंट होते हैं, कैसे कैंपेनिंग की जाए, तो ज्योग्राफिकल रूट पता होना किसी भी जगह का बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई भी रैली के लिए, कोई भी पॉलिटिक्स की गाड़ी मूवमेंट के लिए, कोई भी मूवमेंट के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं उनपे कोई खतरा नहीं हो, उनपे कोई वार नहीं कर दे, उनपे कोई प्रहार नहीं कर दे, कैसे वो उधर से निकलेगा उनका रूट, कैसे कैंपेनिंग होगी उस रूट पे, ये सब चीजें पॉलिटिकल ज्योग्राफी, क्योंकि हम उस किसी भी जगह के फिजिकल स्पेस को पढ़ते हैं, तो फिजिकल स्पेस को पढ़ने से हम आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, अब इसमें देखिए एक स्कल दिखा रखा है, तो हम इस चीज से क्या समझते हैं, अगर हम इस चीज को थोड़ा ध्यान से पिक्चर को देखेंगे तो हमें दिखेगा कुछ किताबें पढ़ी हैं, एक स्कल पढ़ा है, यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान, मनुष्य जाति का कैसे ओरिजिन हुआ, ह्यूमन बींग का कैसे ओरिजिन हुआ, उनके बारे में रिसर्च करना और उस रिसर्च को अप्लाई करना, नॉलेज के उस नॉलेज को अप्लाई करने को ही एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अगर हम पुराना देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हरप्पन कल्चर के बारे में हमने बहुत पढ़ा है हमारी किताबों, हमने वैदिक एज के बारे में बहुत पढ़ा है, उस पर कैसे लोग होते थे, क्या लिखते थे, क्या भाषा लिखते थे, क्या लिपि लिखते थे, कैसे लिखते थे, क्या वो लोग का पेड़ों पे लिखते थे, कैसे उनके उनके बारे में हमने देखा है, कहीं कहीं शार्प उनके दिखाए गए हैं कि वो अपने जो नाखून होते थे उनसे उन्होंने एनग्रेविंग करी हुई है, किस चीज से एनग्रेविंग करी हुई है। तो ये सब चीजें जब हम पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, मनुष्य जाति का कैसे विकास हुआ, उस विज्ञान की ही स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अब क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं पुरानी चीजों के बारे में, नए नए निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसलिए इससे रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। उसके अलावा एजुकेशन, क्योंकि अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, डीप नॉलेज ले रहे हैं, तो एजुकेशन में इसको हम कर सकते हैं। फॉरेंसिक में हमें पता चलता है कि आज जो स्केलेटन है उसका एनालिसिस करते हैं ये लोग, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं कि स्केलेटन कितना पुराना है, किस चीज के चोट लगने से प्रॉब्लम हुई इंसान को, या किस तरीके से प्रहार किया गया किसी भी इंसान पे, तो
तो ये फॉरेंसिक वाले भी स्कल को, स्केलेटन को देख के कई सारे निष्कर्ष निकालते हैं, वो भी एंथ्रोपोलॉजी में आता है, म्यूजियम क्यूरेटर। ना अगर आपको पता है कि ह्यूमन साइंस में जो हम देखते हैं, यानी जो लोगों के बारे में हम पुराने उनके स्केलेटन्स और उनके जो ये स्कल्स हैं, इनसे हम जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो हम म्यूजियम क्यूरेटर का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि म्यूजियम में कौन सी चीज जरूरी है कौन सी नहीं, इसलिए हम म्यूजियम क्यूरेटर का काम भी कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर, अब ये जब ये मानवता पे ही स्टडी कर रहे हैं कि पुराना कैसा था, कैसा मार्केट था, तो वो उससे रिलेटेड आज की मार्केटिंग कर सकते हैं कि आज के मार्केट में क्या चीजें हमेशा से ही जरूरत में थी और आज भी जरूरत होंगी, आगे भी जरूरत बनी रहेंगी, और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा कोई चीज को लेके या कोई नई पॉलिसी को लेके, ये भी ये स्केलेटन्स और इन स्टडी से करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल जब। अगर हमें पता है कि कुछ चीजें, कोई कल्चर बहुत पुराना किसी सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और उनसे कोई नई चीजें हम हमारे यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यानी जब एक नेशन से दूसरे नेशन को इफेक्ट हो, उसे वो इंटरनेशनल टर्म से हम बोला जाता है, और इंटरनेशनली जब हम सब मिलके डेवलप होते हैं उसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ये है हमारी एंथ्रोपोलॉजी की यात्रा, जहां पे हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, पुराने स्कल स्केलेटन को स्टडी करते हैं, वो हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अब आया हिस्ट्री। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी कर रहे थे ह्यूमंस को और स्केलेटन्स को और उन सब के बारे में। हिस्ट्री में हम ज्यादातर क्या करते हैं स्टडी, हम डेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये इवेंट इस वक्त हुआ था, इस तारीख को हुआ था, इस एरा में हुआ था, एसी बीसी बिफोर क्राइस्ट एनाटोमी एडी बीसी कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, ये सब चीजें हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री में हम टॉपिक स्टडी करते हैं वो है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो लोग पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे कि एक मूवी आई थी जिसमें दीपिका पादुकोण आर्कियोलॉजिस्ट होती है और वो पुरानी चीजों को धरोहर के रूप में सजाने संवारने और अच्छा करने के लिए नित प्रतिदिन मेहनत करते रहती हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दूसरा हो गया हिस्टोरियन। हिस्टोरियन यानी जो पर्टिकुलरली डेट स्टडी करे, इवेंट स्टडी करे, वो हिस्टोरियन के अंडर काम करते हैं। हेरिटेज प्रिजर्वेशन या कॉन्जर्वेटर रिस्टोरर, जो चीजें हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं और बहुत चीजें हमारी इधर उधर फैली हुई हैं कि कैसे हेरिटेज को हमारा प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे कंजर्व किया जाए और कैसे उसको बचाया जाए, वो हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम हेरिटेज कंजर्वेशन बोलते हैं। म्यूजियम क्यूरेटर, म्यूजियम में कैसे चीजें कहाँ रखी जाए, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, इसलिए वो भी म्यूजियम का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आर्किविस्ट, आर्किविस्ट क्या होते हैं, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से आर्ट से जुड़ी हुई चीजों की स्टडी करते हैं उन्हें आर्किविस्ट नाम दर्शाता है, आर्किविस्ट। तो जो आर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो ये स्टडी करते हैं और उनको उनके निष्कर्ष निकालते हैं, तो उन्हें हिस्ट्री के अंदर आर्किविस्ट कहा जाता है। आर्ट डीलर, आर्ट क्रिकेट क्रिटिक या आर्ट गैलरी डायरेक्टर, जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर आर्ट को जज करता है, यानी क्रिटिक का काम करता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें डील करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे मुनाफा कमाते हैं कोई पुरानी चीज को बेच के, इसलिए वो आर्ट डीलर हो गए, या आर्ट गैलरी डायरेक्टर यानी कि जो आर्ट गैलरी क्रिएट करके वहां के डायरेक्टर हैं कि भाई कौन सी चीज कैसे शोकेस किया जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज ज्ञात। बुक जर्नल या डॉक्यूमेंट्री एडिटर, अब क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है, डेट्स चीजों के बारे में, कब हुई थी घटित चीजें, तो ये डॉक्यूमेंट्री एडिटर का काम भी करते हैं, बुक के भी एडिशन में हेल्प कर सकते हैं क्योंकि इनको काफी जानकारी होती है आर्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड कंसल्टेंट्स, ये कौन होते हैं, जो इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनको बहुत शौक है पुरानी चीजों के बारे में पता करना,
पुरानी चीजों की नॉलेज लेना, क्या डेट पे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स उसके बारे में पता करते हैं, हिस्ट्री के क्षेत्र में उनके बारे में पता करते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र जो हमारा आया है ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? अगर हम बहुत सिंपल सी भाषा बोलें कि इकोनॉमिक्स बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ये है अर्थशास्त्र। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रुपयों की पिक्चर बनी हुई, यानी कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं कि क्या लोगों की डिमांड है, क्या उसकी किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और किस तरह से उसकी सप्लाई हो रही है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि कोई चीज की डिमांड कैसी और सप्लाई कैसी है। तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तो चीज के प्राइस घट जाएंगे। ये एक इनवर्स प्रपोर्शन रिलेशन चलता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई हमेशा इनवर्सली प्रपोर्शन होते हैं। एक चीज बढ़ती दूसरी चीज घट जाती है और उससे ही मार्केट की स्टडी होती है और मार्केट मूव करता है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जिससे हम मार्केट के बारे में सर्वे करके उससे रिलेटेड सोल्यूशन निकाल सकें, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स को एक नई दिशा और नई सफलता मिल पाए। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो है इकोनॉमिक रिसर्च एंड एडवाइजरी, जो ओवरऑल प्रोडक्शन कंजम्पशन प्राइसिंग के बारे में स्टडी करते हैं, डेटा हैंडलिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें इकोनॉमिक रिसर्च एंड एडवाइजरी कहा जाता है। पब्लिक पॉलिसी, अब क्योंकि देखिए पब्लिक पॉलिसी जो हमने पहला पढ़ा था सोशियोलॉजी, वहां सोशल वर्क से रिलेटेड पब्लिक पॉलिसी लिखी जा रही थी, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को लेके पब्लिक पॉलिसी लिखी जा रही। तो पब्लिक पॉलिसी यहाँ भी लिखी जा रही है, रिसर्च यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या टॉपिक और सब्जेक्ट चूज किया, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रिसर्च या पब्लिक पॉलिसी स्टडी करें। बैंक या कॉर्पोरेट इकोनॉमिस्ट, ये वो लोग हैं जो कोई बैंक से या कोई कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं और ये उस बैंक का काम देखते हैं कि किस तरीके से बैंक में पैसा आ रहा है जा रहा है, उसकी स्टडी करना कोई हम बैंक की इकोनॉमी का हिस्सा मानते हैं। माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं छोटी चीजों की, यानी स्टडी ऑफ मार्केट एंड प्राइसिंग, हम पर्टिकुलरली मार्केट एंड प्राइसिंग की स्टडी करते हैं, वो हम माइक्रो में करते हैं। और मैक्रो में हम क्या करते हैं, जब हम पूरे देश की स्टडी करते हैं, जब हम बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, नेशनल इकोनॉमिक बात करते हैं, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, प्राइसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन की बात करते हैं, प्राइसिंग इंडेक्स की बात करते हैं, ये सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी पूरे भारतवर्ष की स्टडी कई कैसे मूव कर रही है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक मानते हैं। माइक्रो मतलब छोटी छोटी शहरों की स्टडी। डेटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है, जब हम इन सभी चीजों के चाहत और जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है उनसे रिलेटेड डेटा को निकाल लेते हैं और उसको कंप्यूटर के द्वारा चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो वो डेटा साइंटिस्ट के रूप में या कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स के रूप में काम करते हैं। जो चीज वहां पे वो लोग उस डेटा को पूरा एक अर्थशास्त्र को निकाल के उस डेटा को यूज करके जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसे हम डेटा साइंस या कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स का काम नाम देते हैं। बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ये क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर मार्केट को या इंडिविजुअल को जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में देते हैं कि कैसा मार्केट का टोटल बिहेवियर मूव कर रहा है, वो हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में पकड़ते हैं। देखिए ये सब चीज इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं डेटा साइंस का काम करूँ बिहेवियर इकोनॉमिक्स नहीं करूँ। बिहेवियर इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप उसको कंप्यूटेशनल फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर पाएंगे। या आप लोग को इकोनॉमिक रिसर्च हमने डिटेल में नहीं करी, बट हमें पता तो होना चाहिए कि रिसर्च क्या कहती है, नहीं तो हमें पुरानी चीजें को पता ही चलेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें पुराने रिकॉर्ड पढ़ने बहुत जरूरी हैं, इसलिए सभी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पढ़ रहे हैं तो दूसरे के बारे में नॉलेज हमें नहीं होगी। इकोनॉमिक्स एज अ होल सब्जेक्ट होगा और इस होल सब्जेक्ट में हम इन इन चीजों के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड से जब हम इकोनॉमिकल डेटा को कोरिलेट करते हैं
तो वो इम्पेरिकल डेटा का जो फॉर्मेट ले लेता है उसे हम इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बोलते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल डेटा का फॉर्मेट। जब हम उसको कोई भी हमारे टर्म्स में डिमांड सप्लाई स्टडी करी, उससे जब हमने डेटा के फॉर्मेट में स्टैटिस्टिक के फॉर्मेट में प्रेजेंट करने वालों को इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। तो कैसे इकोनोमेट्रिक्स करी जाए जिससे कि डेटा इजिली रीडेबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें हम इकोनोमेट्रिक्स का काम करता है। देन जियो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एनवायरमेंट की कैसे एनवायरमेंट मूव करेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड किस तरीके से कोई डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, या ज्योग्राफी से रिलेटेड कहीं पे अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, या बारिश के बाढ़ आने वाली है, उससे कैसे डिमांड एंड सप्लाई में इफेक्ट आएगा, वो जियो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का काम होता है। जैसे कि अगर ठंड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही है, अगर हमने ज्योग्राफी पता किया तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर ठंड के कपड़े या वुलन क्लोथ्स की बिक्री बढ़ेगी। तो उसी तरह से ज्योग्राफी रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड फिजिकल स्पेस में जब चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करके, एनवायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको स्टडी करके जब इकोनॉमिक्स काम करता है या उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है, वो ज्योग्राफिक जियो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का काम समझता है। तो ये सब सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट के अंदर अलग चैप्टर्स होंगे कि हम क्या क्या चीज इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, जिससे आप वेल प्रिपेयर्ड हो कि मुझे क्या क्या चीजें इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगी। आर्ट्स, हम जो समझते थे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि तीन सब्जेक्ट मेन हमारे होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो आर्ट्स क्या हुआ, जब हम कोई चीज का, किसी भी चीज को जब हम क्रिएटिव फील्ड के अंदर देते हैं, यानी जब हम बोलते हैं कि एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जब हम क्रिएटिव फील्ड में इस स्ट्रीम को अप्लाई करते हैं और इस क्रिएटिविटी के थ्रू उस चीज को शोकेस करते हैं, चाहे वो हम ड्राइंग के माध्यम से करें, सिंगिंग के माध्यम से करें, या हम डांसिंग के माध्यम से करें, तो जब हम किसी भी चीज को हमारे फिजिकल रूप से शो करते हैं, फिजिकली ड्राइंग करके, समझा के बात कर, उसको सिंग करके, डांस करके, कोई भी हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यूज करके जब हम उस फील्ड को अप्लाई करते हैं, उसे हम अप्लाइड आर्ट्स का फॉर्मेट बोलते हैं। और ये ज्यादातर इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल डिजाइन देखें, इसमें भी चार पार्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स यानी BFA, जहां हम ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग और स्कल्पचर की बात करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री मिलती है, और हम इसमें ज्यादातर ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग और स्कल्पचर के माध्यम से शोकेस करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये हम, इसमें भी BA की डिग्री मिलती है ये, या फिर BVOC की, बैचलर वोकेशनल, जिसके अंदर हम डांस, म्यूजिक या सिंगिंग के थ्रू हम परफॉर्म करके आर्ट का माध्यम यूज करते हैं। विजुअल आर्ट्स यानी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स की डिग्री मिलती है, इसमें प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, फिल्म एंड वीडियो मेकिंग, ग्राफिक डिजाइन के अंदर जिस तरह से हम प्रस्तुत करते हैं चीजों को, तो हम विजुअल आर्ट्स में काम करना चाहते हैं। अप्लाइड आर्ट यानी उसी आर्ट को अप्लाई किया जाए फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन, फैशन डिजाइन या इंटीरियर डिजाइन के लिए, तब उसे बोलते हैं हम अप्लाइड आर्ट, यानी वही आर्ट जो थी उसे हमने अप्लाई किया इंडस्ट्री के अंदर जॉब देने के लिए, या फैशन डिजाइनिंग में जॉब देने के लिए, या इंटीरियर डिजाइनर का जॉब लेने के लिए, काम करने के लिए, तब उसे हम अप्लाई करने की नॉलेज को अप्लाइड आर्ट्स बोलते हैं। तो आर्ट्स अगेन अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के द्वारा, चाहे वो कोई भी चीज हम खुद पर्टिकुलरली खुद करके करते हैं, उसे हम आर्ट्स का फॉर्मेट देते हैं। बेस्ट कॉलेजेस फॉर ह्यूमैनिटीज, अभी काफी सारे ह्यूमैनिटीज के कॉलेजेस दिए हुए हैं, MVN यूनिवर्सिटी पलवल हरियाणा में है, MET यूनिवर्सिटी नोएडा, जयपुर, JNU दिल्ली, इसके अंदर हम JNU का CU2 एग्जाम देते हैं। देखिए आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए हमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ये CUT क्या है, इट इज कॉमन यूनिवर्सल एंट्रेंस टेस्ट, जो क्लियर करने के बाद ही हम ज्यादातर कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें इस वक्त तो CUT का है, बम्बई की बात करें तो NPAT का है, जयपुर में कॉलेजेस में ज्यादातर अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे लिया जा रहा है। हम अगर UP की बात करें तो वहां पे भी हमारे अलग अलग, जो जैसे अगर हमने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अलग अलग तरीके से हमारे को पता चलता है कि वहां पे वाया एंट्रेंस है,
या वाया एडमिशन इज वाया अ कट ऑफ लिस्ट या वाया एडमिशन इज वाया एंट्रेंस एग्जाम। यहाँ पे LSR, GMC, गार्गी, कमला नेहरू, जितने भी दिल्ली के हैं, ये वाया CUT आपके आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स न्यू दिल्ली है, कनोरिया कॉलेज जयपुर कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे है, सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद वाया एंट्रेंस, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाया एंट्रेंस, HK आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद वाया एंट्रेंस, गुजरात आर्ट्स एंड कॉमर्स कट ऑफ लिस्ट। तो जहाँ एंट्रेंस एग्जाम है वहां पे पर्टिकुलरली एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू ही आपको उस कॉलेज में, आपको 12वीं के नंबर केवल 60% या 70% चाहिए, जितना कॉलेज मांगता है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम करना क्लियर बहुत जरूरी है उस चीज में अप्लाई करने के लिए। डिजाइन, डिजाइन एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट करियर है आर्ट्स में। जब हम बोलते हैं कोई भी टैंजिबल, यानी जो प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जब वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे कॉमर्स कहा जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसे इंजीनियरिंग कहा जाता है, और उसके दिमाग में उसकी उपज होती है उसे डिजाइन कहा जाता है। हमने कोई ड्रेस के बारे में दिमाग में उपज आई, फिर उसको हमने ड्रॉ किया तो वो ड्रेस डिजाइन हो गई। हमने कोई टेबल, चेयर, अगर हमने कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट के बारे में डिजाइन किया, वो ऑब्जेक्ट डिजाइन हो गई। हमने कोई मशीन के बारे में डिजाइन किया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गई। डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या डिजाइन के फील्ड में हम पढ़ना चाहते हैं, हम उसी तरह का डिजाइन फील्ड ले सकते हैं। इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोडक्ट डिजाइन आ गई, जिसमें यूजी के पीजी के दोनों कोर्सेज हैं, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, टॉय एंड गेम, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन। कम्युनिकेशन के अंदर है ग्राफिक, एनिमेशन, फिल्म और फोटोग्राफी। फैशन में है एप्रल यानी कपड़ों का डिजाइन, लेदर यानी चमड़े का डिजाइन, निटवेयर यानी गर्म कपड़ों का डिजाइन, टिक्सार यानी कपड़ों का डिजाइन, एसेसरीज यानी जो एक्स्ट्रा हाथ में, कान में, कोई भी हम जो एसेसरीज पहनते हैं, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो लेडीज में ब्रेसलेट हो, जो भी हो, उसके एसेसरीज के डिजाइन को हम फैशन डिजाइन के अंदर एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन के टॉप कॉलेजेस क्या क्या है, NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र विजयवाड़ा में है, ये भी वाया एंट्रेंस एग्जाम होता है, IIT दिल्ली वाया UCED है, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा एंट्रेंस एग्जाम के तहत है, NIT अहमदाबाद वाया NID एंट्रेंस है, स्कूल ऑफ डिजाइन यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में है वाया UCED या UPED दैट है। ये हमने ऑलरेडी करा था कि UCED में दो लेवल पार्ट करने होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जब स्कूल ऑफ डिजाइन का यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये पेपर टू में आ जाता है। CEPT यूनिवर्सिटी वाया एंट्रेंस एग्जाम, आर्ट्स अकेडमी जयपुर वाया एंट्रेंस, और बाकी कॉलेजेस जो हैं जो आपके इस इंडस्ट्रियल डिजाइन से जुड़े हुए हैं वो NIFT, UCED, SEED, SEED, इसके अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं वो आप जाके UP पोर्टल पे देख सकते हैं। उनमें कहीं डैशबोर्ड पे आप ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन अवेलेबल है। फिल्म एंड वीडियो डिजाइन के टॉप कॉलेजेस हैं सिलिका, विस्लिंग वुड्स, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म, ये कहाँ कहाँ पे हैं, भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली। ज्यादातर डिजाइन कॉलेजेस, देखिए दिल्ली और अहमदाबाद में काफी कॉलेजेस हैं, हमने इस वक्त एक्चुअली दिल्ली और यहाँ के कॉलेजेस लिए हैं, आपके अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, क्योंकि ये आपके पास पड़ेंगे। तो ये सारे कॉलेजेस में आपके जो ये है, NID का है, स्कूल ऑफ ऑटो इंजीनियरिंग है, फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी है, डिजिटल एकेडमी है, सेंटर ऑफ रिसर्च इन आर्ट फिल्म है, और ये सब किस किस चीजों पे काम कर रहे हैं, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डायरेक्शन, कैमरा साउंड, तो ये इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज इन सारी शहरों में है, जिससे ये इन ऑप्शंस पे काम करते हैं, जिससे इन ऑप्शंस पे डिजाइन में किसी भी क्षेत्र में हम काम कर सकें, चाहे वो एक्टिंग का हो, फिल्म मेकिंग का हो, ऑडियो इंजीनियरिंग का हो, क्रिएटिव मीडिया को, या कोई भी क्षेत्र हम चुनते हैं, ये फिल्म एंड वीडियो डिजाइन के अंडर आते हैं। फैशन डिजाइन के टॉप कॉलेजेस ये हमने कर लिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, इसके 16 कैंपस हैं, वाया निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, NID अहमदाबाद वाया निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम, पर्ल दिल्ली वाया निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट वाया निफ्ट एंट्रेंस, MIT यूनिवर्सिटी वाया निफ्ट, JD फैशन टेक्नोलॉजी वाया एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली में। तो इस तरीके से हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि
हमने क्या क्या चीजें इसमें स्टडी करी हैं। अब कैसे ह्यूमैनिटीज वर्ल्ड चेंज कर रहा है, देखिए टेक्नोलॉजी खुद में सफिशिएंट नहीं है अगर टेक्नोलॉजी को हम लिबरल आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज से एसोसिएट नहीं करें, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ लोगों की जरूरत नहीं समझेंगे, लोगों का ये नहीं समझेंगे कि आज आखिर किस तरीके से लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी भी ह्यूमैनिटीज के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन, आप जो भी बोले, उनको हमारे को साइंस साथ जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। ये कुछ और प्रीमियर कॉलेजेस जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज कोर्स ऑफर कर रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, लॉयला कॉलेज चेन्नई, मिरांडा कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, केजे सोमैया कॉलेज मुंबई, जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, केसी कॉलेज मुंबई, सेंट जेवियर्स कोलकाता, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन मुंबई, बनस्थली विद्यापीठ जयपुर, मिट्टीबाई कॉलेज मुंबई, अशोका शिवनादर अजीज प्रेम जी क्राइस्ट बैंगलोर। और हम ज्यादातर जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं या तो 3 इयर्स के बीए के कोर्सेज हैं। अब एक नई पॉलिसी आ रही है जिसके अंदर हम 4 साल का बीए यानी बैचलर्स की डिग्री भी ले सकते हैं, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि फिर आपका एमए 1 ही साल में हो जाएगा। अभी क्या हम 3 साल का बीए कर रहे हैं फिर 2 साल का एमए कर रहे हैं, उसमें आप 4 साल की अंडरग्रेड स्टडीज करते हैं अगर आप, तो आपकी पोस्ट ग्रेड फिर 1 साल में भी हो सकती है इन ह्यूमैनिटीज। तो इसके अंदर सोशल, क्योंकि इसमें जो बच्चे बाहर जाते हैं वहां पे उनको 4 साल की अंडरग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है, इस कारण से ये प्रोग्राम में चेंज लाया गया है जिससे कि बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचे और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए उत्सुकता पूर्वक काम कर सके। अब यहाँ देखिए 3 इयर्स बीए इन सोशल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस, कंपैरेटिव लिटरेचर, ये सारे फील्ड हैं जिसके अंदर आपका बीए की आप पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी इन ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी ह्यूमैनिटीज एक कोई अच्छा काम, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो साइड में जब बच्चे वीक होते हैं तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आजकल ह्यूमैनिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो सब्जेक्ट ये बच्चे लेते हैं उन सब्जेक्ट के उन बच्चों को बहुत ज्यादा चांसेस आगे बढ़ने के, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में आगे आ रहा है और आ चुका है, और जो ये बच्चे कर रहे हैं वो काफी सीरियसली इसको पढ़ाई कर रहे हैं, और काफी सारे लोग जो इस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं और काफी पैसा कमा रहे हैं और अपने सपनों की दुनिया में और सपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे सीरियस नहीं होते, गलत है। ह्यूमैनिटीज इन ईजी स्ट्रीम, गलत है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज बहुत आजकल इतनी डेप्थ में स्टडी करी जा रही है, इतनी लोगों पे रिसर्च करी जा रही है कि इट इज नॉट ईजी टू डू दैट। टीचिंग एंड होम साइंस खाली प्रोफेशन है, बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा कितने प्रोफेशन ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए हैं। यू नीड टू हैव एन इनबॉर्न टैलेंट टू गेट दीज सब्जेक्ट्स, देखिए इनबॉर्न टैलेंट हम एप्टीट्यूड में ऑलरेडी देखते हैं कि अगर आपके इनबॉर्न टैलेंट है तो बहुत बढ़िया बात है, पर ऐसा नहीं है कि इनबॉर्न टैलेंट के बिना आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आजकल इतनी चीजें डेप्थ में स्टडीज आ गई हैं कि इनबॉर्न टैलेंट के बिना भी आप उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ओनली फॉर गर्ल्स, ये भी बिल्कुल गलत है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर अब हम देख रहे हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है तो टीचिंग ह्यूमन बिहेवियर टू ऑल रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड्स, इसमें करियर्स है। लिंग्विस्ट यानी आप अलग अलग भाषाओं की जानकारी हो सकती है, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअल हो, तो साइकोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्योंकि आप पुरानी चीजों की स्कल्स एंड स्केलेटन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो भी ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है। बिल्डिंग ह्यूमन मशीन कंप्यूटर इंटरफेसेस, इसके अंदर करियर्स हैं लिंग्विस्ट के, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल में जुड़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब ह्यूमन मशीन बना रहे हैं तो मीडिया के लोग जुड़ने जरूरी है।
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसमें आपके पॉलिटिकल भी आप कर सकते हैं काम, इसमें करियर साइकोलॉजिस्ट, बाय ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, आप सारे काम कर सकते हैं जिससे आप इस फील्ड में आगे बढ़ सके। मेंटल हेल्थ साइकोथेरेपी, इसमें करियर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो हम उसे प्रॉपर डेप्थ में स्टडी करते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर करियर साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एथिक्स एंड मेनी अदर्स, ये भी हम स्पेस साइंसेस के रूप में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन पाथ पे आप पहले बैचलर्स की डिग्री ले सकते हैं आर्ट्स में या सोशल साइंस में, मास्टर्स की डिग्री वापस आर्ट्स में या सोशल साइंस में कोई भी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। मास्टर्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर एट आईआईटी गांधीनगर, देखिए आईआईटी में भी इसका कोर्स है। हम समझते थे आईआईटी खाली साइंस के बच्चों के लिए, पर ऐसा नहीं है। आईआईटी के अंदर आप डेवलपमेंटल स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर भी मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं, और फिर आप पीएचडी कर सकते हैं ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस या कोई भी इस टॉपिक पे कोई अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। ह्यूमैनिटीज इन आईआईटी बैंगलोर, एग्जैक्ट ह्यूमैनिटीज एट IIIT इन हैदराबाद एंड डिजिटल ह्यूमैनिटीज एट आईआईटी जोधपुर। और ये लिबरल आर्ट्स के अंदर वाया एंट्रेंस एग्जाम है। कॉलेजेस के अंदर अशोका में ओपी जिंदल, हिंदू कॉलेज दिल्ली, लेडी श्रीराम दिल्ली, थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, PDPU अहमदाबाद, शिव नादर नोएडा, इन सब में वाया एंट्रेंस एग्जाम आप पार्ट ले सकते हैं इन कोर्सेज में। और अब आपका जो गृह कार्य है वो है आपको आपकी पंख डायरी में आपकी यूपी पंख पोर्टल पर 3 ह्यूमैनिटी से संबंधित करियर विकल्पों का अन्वेषण करें और अपनी पंख डायरी में उसी के बारे में विवरण लिखें। तो अब ये यूपी डैशबोर्ड क्या है ये मैं आपको एक बार समझाऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको अपने डैशबोर्ड पे काम करना है और कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इसके लिए अपने डैशबोर्ड को खोलेंगे और उसी के थ्रू, देखिए डैशबोर्ड क्या है, जिससे हमको ये आपको बहुत सुंदर ऑप्शन दिया गया है आसमान फाउंडेशन और यूनिसेफ की तरफ से, जहां पे आप 550 करियर, 15,000 से अधिक कॉलेज, बहुत सारी स्कॉलरशिप और एंट्रेंस आपके बारे में देख सकते हैं। देखिए आप जब आपका पंख पोर्टल खोलेंगे, यूपी पंख पोर्टल लिखेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आप प्रवेश वाले उसको दबा देंगे, यहाँ पे छात्र की यूनिक आईडी मांगेगा, क्योंकि मैं तो एक काउंसलर हूँ, मैं मेरी डेमो आईडी डाल रही हूँ। आपको अपनी आईडी आपके स्कूल से मिल जाएगी, वो आप वहां से ले लेंगे। पासवर्ड आपको सभी बच्चों का 1 2 3 4 5 6 है, वो आप डाल देंगे और यहाँ आप लॉगिन करेंगे। कई कबार डेमो आईडीज में, क्योंकि हम बहुत बार यूज करते हैं, तो कई बार थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर एक बार प्रॉब्लम आती है तो आप घबराएं नहीं, दोबारा कोशिश करें, जिससे कि आपकी ये देखिए यहाँ पे डेमो आईडी है, इस वक्त ये काम नहीं कर रही है, मैम, इसलिए यू मैं कैन यूज सीसी डेमो, सीसी यूपी डेमो, या द अदर वन सीसी डेमो वन, सीसी डेमो ऑल आई मीन इंस्टॉल जस्ट डेमो, रिमूव ऑल ऑफ इट, देयर वाज अनदर ऑप्शन देयर, सो आई यूज सीसी डेमो 1 2 3। या सीसी डेमो वन एंड ट्राई टू लॉग इन वन विद दिस, टू थ्री राइट, नो नो जस्ट वन, जस्ट वन. ओके एंड पासवर्ड रिमेन्स द सेम। सो ये हमने बच्चों दूसरा एक डेमो आईडी डाला था, पर प्रॉब्लली आज शायद पोर्टल पे कभी कभार कंसर्न आ जाती है, देखिए बेटा, तो अभी ये शायद उस कारण से यहाँ पे ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको अपने स्कूल से जो लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड मिलेगा वहां पे, देखिए कभी कभार बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप आधे घंटा 1 घंटे बाद ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली दोबारा लॉग इन हो जाएगा, बट
कभी कभार ये कंसर्न आ जाती है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं और उसको आप दोबारा देख सकते हैं। ये खुलते ही, लॉगिन करते ही आपको एक स्क्रीन आएगी, स्क्रीन पे वो आपसे आपका थोड़ा डेटा मांगेंगे कि आपका नाम क्या है, आपको क्या इंटरेस्ट है, और सब कुछ वो आपका डेटा लेके वो वहां पे चार तरह के आइकन दिखाएंगे, करियर्स के बारे में, आपके जो जितनी डिग्रीज है कॉलेज है उनके बारे में, आपकी स्कॉलरशिप्स के बारे में और टेस्ट के बारे में। तो आप जो भी आइकन प्रेस करेंगे, अगर आप करियर का आइकन प्रेस करते हैं तो वो आपसे फिर दो ऑप्शन मांगेगा कि आपको प्रोफेशनल करियर चाहिए या वोकेशनल। प्रोफेशनल करियर के अंदर बच्चों आप जिन कोर्सेज में डिग्री मिलती है आप वो वाले कोर्सेज यूज, आप वो वाले देख सकते हैं, वहां पर आप वो देख सकते हैं कोर्सेज। मैं एक और डेमो आई डी ट्राई करती हूँ, एक मिनट, डेमो आई डी, तो एक मिनट अगर ये खुल जाता है तो हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। ये अभी क्या है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ कंसर्न आ रही है रिलेटेड टू इंटरनेट, इसे नहीं हो पा रहा बेटा, बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया वहां आपसे वो प्रोफेशनल आईडी और वोकेशनल आईडी मांगेगा, आपसे प्रोफेशनल और वोकेशनल के बारे में पता करेगा। तो आप वोकेशनल कोर्सेज भी देख सकते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और प्रोफेशनल कोर्स देख सकते हैं। वो आपसे पूछेगा ये भी कि आप कौन से शहर में देखना चाहते हैं, आप यूपी में कोई भी शहर का नाम लिख सकते, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वो आपको आपके पूछेगा कौन से सब्जेक्ट में आप देखना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आप चुन लेंगे तो आपको बहुत तरह के कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे। करियर के ऑप्शन में आप कोई भी करियर सेलेक्ट करते हैं, उस करियर से रिलेटेड वो बहुत सारे सब करियर खोल देगा। जैसे आपने लिखा मुझे डॉक्टर बनना है, अब वो डॉक्टर के बारे में पूछेगा आपसे कि जी आप ENT में करना चाहते हैं, आप लिवर में करना चाहते हैं, किडनी में करना चाहते हैं, आप क्या चीज में करना चाहते हैं, और फिर उस आपके जो भी आइकन किडनी के बारे में संबोधित आपने किया तो किडनी से रिलेटेड वो बहुत सारे ऑप्शन खोल देगा कि किडनी में भी आप क्या चीज में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। और उसके बारे में जब आप वो आइकन खोलेंगे तो आपको वो पूछे दिखाएगा कि वहां जाने के लिए, उस डॉक्टर वैसा बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कितनी आपको खर्च करना पड़ेगा, कितना आपको पैसा मिलेगा, वहां पे आपके कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी कि कुछ लोग जो वो बन कर चुके हैं काम या कर रहे हैं उनके कुछ आपको उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। हमारा वहाँ एक चैट ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आपको, आप हमारे काउंसलर से हम तक पहुंच सकते हैं, और आपको कुछ भी अगर चैट में पूछना हो तो हम आपको चैट के द्वारा उसका भी जवाब देंगे। तो आप हमसे हमेशा कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है सेशन खत्म होने के बाद आप हमसे कनेक्टेड नहीं हैं। ये लाइव सेशन है, आप दोबारा जाके यूट्यूब पे स्ट्रीम करके मेरा पूरा सेशन देख सकते हैं। उसके अलावा आप कभी भी कुछ पूछना चाहें डैशबोर्ड के बारे में, आप किसी भी ऑप्शन के बारे में पूछना चाहें तो आप जाके चैट बॉक्स ऑप्शन पे पूरा पूछ सकते हैं, और आप सभी तरह के करियर, कॉलेज, स्कॉलरशिप्स, एंट्रेंस एग्जाम सभी के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आप हमेशा उस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके आगे अपने करियर के बारे में, अपने गंतव्य के बारे में क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर दें। आप अपनी पंख डायरी बनाएं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, उसके लिए मुझे 10वीं में इतने अंक चाहिए, 12वीं में इतने अंक चाहिए, UG में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, PG में मुझे ये करना है, इतने नंबर लाने हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये तैयारी करने हैं, इतना पैसा इकट्ठा करना है, ये सब चीजें आपके लिए डायरी में लिखनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप स्टेज बाय स्टेज अपने गंतव्य की तरफ आगे एक कदम बढ़ाते जाएं और अपने करियर की दिशा में एक सक्सेसफुल करियर पर्सन का आप टाइटल हासिल करें, और अच्छे अच्छे करियर को आप अपना के आगे जीवन में सफलता पा सकें। तो अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, जो बच्चे यहाँ YouTube पे हमारे साथ लाइव हैं, वो हमें पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे सकती हूँ, और अन्यथा आप ये YouTube सेशन दोबारा जब भी देखना चाहें आप जाके हमारे YouTube लिंक पे देख सकते हैं, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आज आपको मिली है वो दोबारा भी आप स्टडी कर सकते हैं। एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क चिल्ड्रन, तो आप अभी पूछ सकते हैं। Anas, any questions? So, ma'am, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया है चैनल पे। ओके।
सिर्फ एक मैसेज देना है बच्चों को कि जो भी आपने अपना पंक्ट डायरी बनाया है और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे लास्ट सेशन में दिया गया था कि साइंस से रिलेटेड आप 3 करियर को एक्सप्लोर करो और अपनी पंक्ट डायरी में मेंशन करो। आज और आज मैम ने आप लोगों को बताया है कि जो ह्यूमैनिटीज है, जो आपको मैम ने आज इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसमें 3 जो आपको लगते हैं आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, या अभी ऑन द सरफेस आपको लगता है कि ये मेरे लिए करियर बेहतर रहेगा, तो उनके बारे में आप पोर्टल पे जाके डिटेल में पढ़िए। और जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं, जैसे कि करियर का एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब उसे करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है कॉलेजेस की, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, या आपका जो 12th के मार्क्स मार्क्स हैं उनके मेरिट बेस्ड होता है, या कोई डिप्लोमा हो रहा है, उसके अलावा कितने साल का कोर्स है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कॉलेजेस कहाँ हैं, तो ये सारी जो मेन इंफॉर्मेशन होती है जिसको बहुत जरूरी होता है जानना, इन सारी इंफॉर्मेशन को आप अपनी पंक डायरी में लिख सकते हैं। और उसके बाद जितने भी नोडल पीपल हैं, जो लोग कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया होगा यहाँ पे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे कुछ पिक्चर्स अपनी पंक डायरी की भेजिए, और वो पिक्चर्स हमारे पास आएंगी नोडल पीपल के थ्रू। हम उन पिक्चर्स को इसलिए आपसे मंगाना चाहते हैं जिससे कि जहां जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको देख के इंस्पायर होंगे। तो जब हम वो पिक्चर शेयर करेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, तो और बच्चों को भी आप लोग इंस्पायर कर पाएंगे और इसको प्रोग्राम को हम और बेहतर बना पाएंगे। तो ये एक मैसेज है, आप लोग इसे करिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे इन सेशन को हम अच्छे से यूजफुल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, अगर आपके पास कोई लास्ट कॉमेंट्स है आप कर सकते हैं, अदरवाइज वी लैंड दिस सेशन। तो बच्चों, जैसे आपने अभी समझा, ये पंक डायरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बात, इससे आप खुद की दिशा निर्धारित कर पाएंगे, खुद के करियर की डीप एक्सप्लोरेशन करके, उनकी जानकारी प्राप्त करके आप अपने करियर को बहुत इजीली समझ पाएंगे, उसकी दिशा भी देख पाएंगे और उसमें ग्रोथ के तरीके समझ पाएंगे। आपको जब ये अपनी दिशा निर्धारित कर लेंगे आप, तो आप बाकी लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं पिक्चर शेयर करके, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद ये सोच के अपनी डायरी नहीं बना रहे हैं कि ठीक है, हमने सेशन सुन लिया, अब क्या जब जरूरत होगी डैशबोर्ड तो हमारे पास ही, साल भर के लिए हम कभी भी देखेंगे। बट हो सकता है कुछ चीजें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप कुछ अभी, जैसे आप बच्चे 10वीं में हैं, हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम जब 12वीं के बाद देना हो तो मैथ्स जरूरी सब्जेक्ट हो 11वीं 12वीं में, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम हो, पर आपने सोचा मुझे क्या जरूरत है ह्यूमैनिटीज में मैथ्स देने की, मैं नहीं लूंगी मैथ्स तो भी चल जाएगा। बट आज इंडस्ट्रियल डिजाइन में जाना है तो हो सकता है मैथ्स आपको 11वीं 12वीं में पढ़ना जरूरी हो। ये आपको डैशबोर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या चीजें जरूरी हैं। इसलिए मैं आपसे ये प्रमोट करूंगी आपको, और आपसे बोलूंगी कि आपको ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हित में, इससे और किसी का भी बेनिफिट नहीं है। ये आपको पता चलेगा तो आप अपने जीवन को इजिली समझ के आगे बढ़ पाएंगे। तो सभी बच्चे जरूर से डैशबोर्ड को देखें, और आपकी डायरी में 3, आपके जैसे सर ने कहा, आपके इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग 3 प्रमुख करियर के बारे में पूरी जानकारी अपनी डायरी में लिखें और उससे हमसे शेयर करें। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमको चैट में वो भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, एंड थैंक यू नोडल से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, इन ऑफिसर्स को थैंक यू, टू ऑल द टीम्स फॉर गेटिंग दिस प्रोग्राम इनटू अ सक्सेस। एंड आई होप बच्चों, आपको इससे काफी अच्छी जानकारी, आपको इससे हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।